नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? आज सुबह के वक्त देखिए मेरे घर पे कौन आया हुआ है। तो यही है अभी हमारे घर का सबसे छोटा बहन का बेटा है, हमारे परिवार में सबसे छोटा है बच्चा है अभी। तो आज का जो नज़ारा है वो देख लीजिए, आप भी बोर हो रहे होंगे ना शायद रोज़ इस नज़ारे को देख करके, पर क्या करो। यही है मेरे घर के सामने का नज़ारा। तो देखिए धूप तो निकली हुई है और आज ही आया हुआ है। तो बस ये रही मेरी मनी प्लांट, थोड़ी सी डल जैसे दिख रही है तो इनको थोड़े पानी वगैरह मुझको देना है आज। और आज मैं आज की पूरे प्रिपरेशन बता रही हूँ मैं। ये कैबेज है, कैबेज को मैंने ऐसे काट लिया है, इसमें मैं आलू यूज़ करती हूँ, बहुत छोटे छोटे पतले पतले मैंने ऐसे लच्छों में की तरह मैंने काट लिए हैं। और टमाटर मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और मैंने हरी मिर्चें और प्याज को, मैंने एक बड़ा सा प्याज और टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची लेकर उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। कढ़ाई में तेल करेंगे, गरम करेंगे अपने हिसाब से, जो भी तेल आप पसंद करते हो जितना पसंद करते हो वाली। और सबसे पहले मैंने देखिए उसमें प्याज और हमारी मिर्चों को मैंने सॉटे कर लिया है। फिर उसके बाद जब जैसे ही प्याज का जो कच्चापन थोड़ा सा निकल जाता है ना, मैं उसमें आलू को डाल दूँगी, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं पहले आलू को डाल देती हूँ, आलूओं को एक मीडियम साइज़ जैसा आलू था तो मैंने इसको डाल दिया है। अब हमारे आलू थोड़े से पक जाएं तो उसके बाद हम उसमें कैबेज को डाल देते हैं। ये देखिए मैंने कैबेज को डाल दिए हैं। अब इनको हम पकने देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको हम पकाएंगे। मैंने अभी इसमें नमक हल्दी वगैरह नहीं डाला है, थोड़े आराम से हम धीरे से डालेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं हाफ डन होने के बाद ही हमको डालना चाहिए नमक। तो अब मैंने इनको ढक करके कैबेज को ढक दिया है, खोलेंगे फिर इसमें हम, अब इस समय हम इसमें हल्दी वगैरह डालेंगे। मैंने नमक को स्पेशली अभी डाला था, वीडियो मेरा यहाँ वहाँ हो जाता है आजकल कभी कभार, तो मैंने नमक को तो मैंने डाल दिया है। अब हम हल्दी को भी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून मैंने जैसा मैंने हल्दी यूज़ किया है। ये देखिए हल्दी को भी जब हम डालते हैं ना तो बहुत अच्छी सी इसकी कलर आती है, और चपाती के साथ तो इसकी जो कॉम्बिनेशन होती है ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है चपाती के साथ। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही मतलब कलर भी अच्छा है, देखने से खाने का मन भी होता है, और टमाटर डालने की वजह से एक खटास भी रहती है और बीच में ना आलू भी आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद आज मैं बना रही हूँ दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया है, उसमें मैंने हल्दी पाउडर, थोड़े से हमारे मेथी के पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हमारे लहसुन के जो पाउडर होते हैं ना उनको भी डाल करके मैंने अच्छी तरह से, नमक भी डाल करके उनको अच्छी तरह से फेंट करके मैंने रखा हुआ है। अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें मैंने ऑयल डाला और राई चटका दिए, मैंने प्याज और लाल मिर्चों को डाल दिया है। अब इनको हम थोड़े फ्राई कर लेते हैं, तड़का दे रही हूँ ना मैं। तो अब इसमें मैंने दो तीन करी पत्ती भी डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से हम थोड़े से हल्के से थोड़े ब्राउन हो जाने चाहिए तभी अच्छे लगते हैं देखने में, टेस्ट भी अच्छा आता है तभी। ये देखिए बस अब मैं इसमें थोड़े से लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जैसा कश्मीरी लाल मिर्च है ना उसको मैं डाल रही हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, दही को एक प्यारा सा कलर मिलता है, बहुत जैसे दाल तड़का वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छी सी कलर आती है ना, वैसे इसमें भी आती है। देखिए बस हमारी दही बोलिए, कड़ी बोलिए या दही तड़का बोलिए, जो भी बोलिए, पर होती वो टेस्टी है तो फटाफट बन जाती है। तो आज मैंने यही बनाया है, अच्छी लगी तो ज़रूर आप बताना मुझे। तो इसके बाद आज बना रही हूँ मैं फ़िश फ्राई, आज फ़िश फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैं बोलती हूँ ना, जो भी ऑयल जो हमारी अपनी पसंद की होती है तो जो भी आपको अच्छी लगती है वो ऑयल आप डाल दीजिए, आपको जितना चाहिए उतना डालिए। उसके बाद फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रखा था, टूना फ़िश है। तो मैंने सबसे पहले मैं ना करी पत्तों को डालती हूँ क्योंकि इससे ऑयल में एक अच्छा सा खुशबू आता है, फ़िश में भी एक अच्छा सा अरोमा जैसे आ जाती है। तो अब हम इसमें अपने फ़िश को डालेंगे। ये लीजिए फ़िश फ्राई तो मैंने कई बार दिखाया है इसलिए मैं इसकी पूरी वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। तो आशा है आप सबको अच्छी लगी, यही है आज का मेरा मेनू। और मैं सोच रही हूँ कि आपको कैबेज के दो तीन आइटम और बताऊँ, तो मैं कैबेज के मंचूरियन बनाना
ज़रूर बताऊंगी। और कैबेज की जो तोरण होती है ना केला स्टाइल, वो उसकी भी मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी। फिलहाल मेरे पास कैबेज नहीं है, मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊंगी, उसके बाद मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहिए कि मुझे सपोर्ट करें, फ्रेंड्स को भी के साथ भी आप शेयर कीजिए। तो आप सबों का दिल से शुक्रिया, सबों का धन्यवाद, थैंक यू।